स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इस वैकेंसी में जो है सीटों की संख्या बढ़कर कितनी होने वाली है, इसका PT एग्ज़ाम कब होगा, और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा क्या यह ऑनलाइन लिया जाएगा। आइए चलिए हम इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास विभिन्न सारी जानकारी आते रहेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल इस एग्ज़ाम के बारे में। देखिए दोस्तों, यह वैकेंसी जो है इस बार बिहार में 9 वर्षों के इंतज़ार करने के बाद देखने को मिला है। इससे पहले यह वैकेंसी 2014 में आया था दोस्तों, तो काफ़ी वर्ष कह सकते हैं, 1 दशक के इंतज़ार करने के बाद ये वैकेंसी देखने को मिला है। इसमें अभी तक सूत्रों से आधार से पता चला है कि इसमें सीटों की संख्या बढ़कर अभी आपका 18,000 तक हो गया है दोस्तों। और यही नहीं, 18,000 नहीं, इसमें और सीटों की संख्या बढ़ने वाला है, और सीटों की संख्या बढ़कर आपको इसमें लगभग 20,000 तक होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपका यह वैकेंसी बहुत बड़ी मास लेवल होने जा रही है। इसमें आपको लगभग 20,000 सीट देखने को मिलने वाली है। 18,000 तक अभी तो कन्फर्म हो गया है, परंतु इसमें और बढ़कर 20,000 आपका हो जाएगा सीटों की संख्या। अब दूसरा अपडेट यह है कि इसका PT एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट में जो है चर्चा है कि एग्ज़ाम अब होगा तक अब होगा। देखिए दोस्तों, आपको हम एक ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं कि इसका PT एग्ज़ाम जो है बिहार SSC का PT का एग्ज़ाम आपका, यह आपको अक्टूबर 2024 में होने जा रही है दोस्तों, अक्टूबर 2024 में। इससे पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अगस्त में जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने जा रहा है दोस्तों, बिहार पुलिस। इसके बाद जो है सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होगा, सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद जो है ना बिहार SSC का एग्ज़ाम होगा। आप ये समझिए, आपका यह जो एग्ज़ाम जो है अब अक्टूबर 2024 में होने जा रही है दोस्तों। और एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, क्या यह जो परीक्षा होगा ऑनलाइन लिया जाएगा? तो देखिए, यह बात जो है ना मार्केट में बहुत चर्चा हो गया है कि बिहार SSC का यह जो परीक्षा लिया जाएगा ऑनलाइन लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा। इस बात की शुरुआत कहाँ से हो आपको हम बता रहे हैं कि देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताए थे कि बिहार का जितना भी आयोग है, यदि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो उनको हम सहयोग करेंगे। सरकार की तरफ से जितना भी होगा उनको सहयोग किया जाएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए। परंतु बिहार SSC में जो है एक अलग ही मुद्दा बनता है। मुद्दा ये बनता है दोस्तों कि इसमें जो है 25 लाख जो है ना स्टूडेंट फॉर्म भर चुके हैं दोस्तों, 25 लाख स्टूडेंट। और हम बात करते हैं बिहार में जो है 25 लाख छात्रों का ऑनलाइन एग्ज़ाम ले पाना संभव नहीं है, क्योंकि उतनी बड़ी मात्रा में बिहार में जो है संसाधन नहीं है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर सब भी है उतने मात्रा में नहीं है जो 25 लाख स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम एक दिन या दो दिन में ले ले। पता चलेगा एग्ज़ाम लेने में एक एक महीना लग गया, तो आप स्पष्ट हो जाइए कि आपका यह जो एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होने जा रहा है दोस्तों, यह एग्ज़ाम होगा तो ऑफलाइन होगा। और एक बात यह भी होगा, ऑनलाइन यदि बिहार में एग्ज़ाम हो जाएगा तो देखते हैं कितना जो है ना गिरोह सब का जो है सेंटर सब का अपना अपना ही सेंटर सब है, तो पता चलेगा धांधली खूब हो जाएगा। हाँ, एक ऑथेंटिक जो है सेंटर सब को यदि दे दिया जाएगा TCS सब का, तो उस समय थोड़ा नहीं के बराबर कम होता है, परंतु जितना प्राइवेट सेंटर सब है यदि उसको दे दिया जाएगा तो समाज धांधली कितना हो जाएगा। और हाँ, इस बार सरकार का टारगेट भी है कि एग्ज़ाम को जो है पूरा साफ़ सुथरा कराए, क्योंकि इससे पिछले बार भी जो बहुत सारा वैकेंसी में देखे थे देखने को मिला था कि प्रश्न पत्र वायरल हो जाता था, जैसे बिहार पुलिस का भी है जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर से एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है दोस्तों। तो सरकार का भी टारगेट है कि हम जो है 100% साफ़ सुथरा एग्ज़ाम कराए, परंतु बिहार है 100% तो गारंटी नहीं कर सकते हैं,
थोड़ा 5-10% जो है ना इधर उधर हो सकता है, परंतु हाँ ये होगा कि पिछले साल की तुलना में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उससे ज़्यादा साफ सुथरा एग्ज़ाम होगा, इसमें जो है इतना भ्रष्टाचार नहीं होगा। अभी जो वर्तमान परिदृश्य देख ही रहे हैं कि नीट के एग्ज़ाम के लेकर क्या हो रहा है, स्टूडेंट सब कितना तबाह में है कि कितना उसमें जो है कितना हाई लेवल पर जो है ना धांधली हुआ है। तो ये था दोस्तों बिहार SSC एग्ज़ाम के लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।